न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स अपनी फुर्ती के लिए मशहूर हैं और शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक शानदार कैच लपक कर साबित कर दिया कि मौजूदा समय में उनके आगे कोई फील्डर नहीं टिक सकता। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने बाज की तरह नजर और चीते जैसी फुर्ती का परिचय देते हुए ओली पोप का एक बेहतरीन कैच पकड़ा। इस कैच को देख फैंस को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। पोप 98 गेंदों में 77 रन बनाकर क्रीज पर जम चुके थे, लेकिन फिलिप्स के एक हाथ से लिए गए कैच ने उनकी पारी को अचानक समाप्त कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 71 रन के स्कोर पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे। फिर ओली पोप ने हैरी ब्रूक के साथ मिलकर 151 रनों की साझेदारी की और न सिर्फ टीम को संकट से निकाला बल्कि एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वो 96 गेंद में 77 रन बना चुके थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे, तभी फिलिप्स ने उनकी पारी का अंत कर दिया। टिम साउदी की गेंद पर पोप ने गली के ऊपर से कट शॉट खेलकर रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े फिलिप्स जैसी दीवार को वो नहीं भेद पाए। फिलिप्स ने बाज की तरह उड़ते हुए तेज स्पीड से जाती गेंद पर एक हाथ से झपट्टा मारकर अपने कब्जे में कर लिया। बता दें कि इससे पहले फिलिप्स ने बैटिंग करते हुए 87 गेंदों में 58 रन की अहम पारी खेली थी। हालांकि ओली पोप 77 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने शतक लगाकर कीवी टीम को परेशान कर दिया है। पोप के जाने के बाद वो कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर तेजी से रन बना रहे हैं। खबर लिखे जाने तक ब्रूक ने महज 162 गेंद में 131 रन बना लिए हैं। वहीं दूसरी छोर पर स्टोक्स 71 गेंद में 36 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच सिर्फ 124 गेंद में 95 रन की साझेदारी हो गई है। वहीं इंग्लैंड की टीम ने 73 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन बना चुकी है और अब न्यूजीलैंड से सिर्फ 31 रन पीछे है। अब ग्लेन फिलिप्स का ये कैच अगर आप देखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि टिम साउदी की बॉल अच्छी थी, शॉट शानदार था ओली पोप का, बट वहां पर खड़े थे ग्लेन फिलिप्स और जिस तरह से वो हवा में लपके हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि कोई सच में बाज फील्ड में फील्डिंग कर रहा हो और कैच पकड़ते ही तुरंत जो सेलिब्रेशन था ग्लेन फिलिप्स का वो दर्शाता है कि वो कैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट था और वो कैच कितना टफ था जिसे ग्लेन फिलिप्स ने आसान बना दिया। क्योंकि अभी फिलहाल दुनिया में अगर देखा जाए शायद मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स से बेहतर फील्डर कोई भी नहीं है। आप रविंद्र जडेजा का नाम जरूर लेंगे, बिल्कुल बेशक बहुत शानदार फील्डर हैं, बट ऐसे कैचेस शायद जड्डू ने भी नहीं पकड़े होंगे जैसे ग्लेन फिलिप्स पकड़ रहे हैं। तो ग्लेन फिलिप्स मेरे हिसाब से इस दुनिया में अभी फिलहाल करंटली नंबर वन फील्डर हैं, जो चाहे बात करें कैचिंग में, चाहे बात करें रनआउट में, चाहे बात करें फील्डिंग में, हर जगह पर ग्लेन फिलिप्स मौजूद रहते हैं।